अध्यात्म में और खासकर धर्मांतरण का जो मुद्दा है, जो हिंदू धर्म को खत्म करता जा रहा है, उसमें कैसे हमको जीतना है, उस पर शंकर शरण जी की बेहतरीन पुस्तक है। सीताराम गोयल जी ने बहुत बहुत बेहतरीन लिखी, हिंदू समाज संकट के घेरे में, पढ़िए, बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, कपोत पे उपलब्ध है। फिर भारत में इस्लामी साम्राज्य की पूरी कहानी सीताराम गोयल जी ने लिखी है, इसको पढ़िए, मैं कहाँ कहाँ से हम लोग लेके आ रहे हैं। हिंदू सोसाइटी अंडर साइज, ये देखिए, ये पढ़िए, छोटी छोटी है। ये जो है हरे टिड्डो का सेपरेटिज्म, कैसे अलगाववाद हमारे देश को तोड़ने के लिए काम कर रहा है, सीताराम गोयल। सीताराम हमारी विचारधारा में, राष्ट्रवादी विचारधारा में, राम स्वरूप जी, सीताराम गोयल, शंकर शरण, ये लोग वो मूर्धन्य लोग हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। जीसस क्राइस्ट देखिए इसको, एंड आर्टिफिस ऑफ द एग्रेसिव, आप देखिए जीसस क्राइस्ट, इसके बारे में आपको सीताराम गोयल जी आपको काफी सारे इनके छद्म चीजें आपको बताएंगे। सेक्युलरिज्म पे सीताराम गोयल जी ने लिखा है, सेक्युलरिज्म राष्ट्रद्रोह का दूसरा नाम। पतली पतली 50-180 रुपए की किताबें हैं, सेक्युलरिज्म राष्ट्रद्रोह का असली नाम, क्योंकि सेक्युलरिज्म के आड़ में कैप्टन अमरिंदन धर्मांतरण करा रहा है, ये साफ दिख रहा है। हिंदू जैन हिंदुइज्म, ये कम से कम बहुत ही 10-36 पेज की पुस्तक है, यानी आपके अंदर जब तक, अपने बच्चों को हम कैसे बना पाएंगे? वो जो संभ्रांत महिलाएं, जो 33-36 महिलाएं हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, पर अपना 75-76 हजार रुपए सैलरी मस्जिद में डाल रही हैं, वो अपने बच्चों को कैसे कुछ सिखाएंगे जब उन्हें खुद ही नहीं पता है। और इंडिया सेकुलरिज्म, ये भी सीताराम गोयल जी का अंग्रेजी में है। तो धर्मांतरण पे हमें लड़ाई छेड़नी होगी, इंडिया स्पीक डेली ने छेड़ी है और बाकी लोग भी छेड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्सपर्ट्स के जरिए लगातार बताने का प्रयास करूंगा। मैं इस मुद्दे को नहीं जाने देना चाहता, रोज के न्यूज आते जाते रहेंगे, हमारे अस्तित्व का सवाल है, और हम इस अस्तित्व की इस लड़ाई में हम मुंह नहीं मोड़ सकते, वरना प्रभु को वहां जाकर क्या चेहरा दिखाएंगे।